और तमाम कपड़ा संगम के जिम्मेदार, मैं सबसे पहले जनाब अशोक साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर आने की दावत दी और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और अफसोस की बात भी है कि मेरे को ये नहीं मालूम था ये मसाइल हो कि मानस से आपसे बोलो। और अभी मलेर साहब अशोक साहब बताए जियो 6 के बारे में, मैं आपको ये तयन दे रहा हूं कि प्रॉमिस भी कर रहा हूं कि हम पूरा आपके साथ है और हम पूरी कोशिश करेंगे। ये जेन्यून इशू है क्योंकि गंगा पुत्रा संगम का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जो है उस कास्ट का वो फिशरीज से रिलेटेड है, तो जिस कास्ट का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है वो उनको उसी वही करना पड़ेगा, किसी को आप लाकर उसमें चेंज करना एक अलग बात है। तो मलेर साहब और अशोक साहब से बात चले, हम पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, ये जो डंपिंग यार्ड के सिलसिले में जीएचएमसी और म्यूनिस्पल अथॉरिटीज से हम लोग बात करके उसको कैसा उसको रुकाना, और फिर जो आपकी दुकानें जो पुराना पुल के पास थी उसको वहां से हटा दिया गया है, मैं एमएलए साहब को ये बोला हूं कि ये 100 फीट की रोड पर अगर कम से कम वो जो पुराना पुल पे आपके डब्बे हैं अगर उसको यहां पर लगा दिए या तो कम से कम यहां पर आपको जो भी कारोबार कर सकें आसानी होगी, मगर इसका परमानेंट सोल्यूशन डंपिंग यार्ड का जरूरी है क्योंकि उससे गंदगी और बदबू आ रही है पूरा, उससे हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। अगर अशोक साहब भी बताएं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके वो डंपिंग यार्ड यहां से बंद करना। और ये जियो 6 के बारे में जो आपने बात रखी है हम पूरा आपके साथ हैं, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसमें हमको कामयाबी मिलेगी। मैं फिर से हमारे अशोक साहब का तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूं।